हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे मैंने पहले एक वीडियो बताया था इम्पोर्टेंट फैक्ट्स का, तो उसी तरीके से मैं आज भी कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लेकर आया हूँ आपके लिए। तो इनको अच्छे से समझना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप व्हाट्सएप पे या मेरे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी हो आपकी तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए मैं वो फैक्ट्स आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। जैसे कोई फर्स्ट एक क्वेश्चन मैं आपको लेकर के वो फैक्ट्स बताने स्टार्ट करूँगा। जैसे एक क्वेश्चन है 1/2 + √3, ये क्वेश्चन है, इसको आपको रेशनलाइज करना है, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं हर का परिमेयकरण करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे आप लोग, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों में, मतलब प्रॉब्लम होती है करने में। इसको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बहुत आसान तरीके से देखो कैसे करते हैं सॉल्व, इसको मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये नंबर लिखोगे आप 1/2 + √3, ठीक है, 2 + √3 into लगाइए यहाँ पे, जो भी नंबर ये लिखी हुई है इसी का सेम कॉपी करके लिखिए नॉमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। डिनोमिनेटर में लिखने के बाद आप जब ऐसे लिख दोगे अंश और हर में, तो यहाँ देखो साइन प्लस का है तो माइनस का साइन आप यहाँ पे लेके चलोगे, और जब वन की मल्टीप्लाई ऊपर ऐसे लिखोगे तो वन का वन ही ऐसे ही सेम आ जाएगा, 2 √3 / 1 √3 × 1 √3। ये कैसी कंडीशन बन रही है, एक फॉर्मूला होता है a² - b² = a + b × a - b। ये दो सिचुएशन हो गई, एक सिचुएशन हो गई a + b × a - b। इस सिचुएशन में आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो आंसर क्या होता है a² - b², सीधी सी बात है। तो इसको आप ऐसे ही लिखोगे a² की वैल्यू है 2, तो 2 का square - b क्या है √3, तो √3 का square = जो ऊपर वाला नंबर है वो तो सेम ऐसे ही रहेगा 2 - √3 / नीचे 2 का square 4 हो जाएगा, -√3 का square क्या होगा, √3 का square होगा ओनली 3। एक और इफेक्ट निकल के आया यहाँ से, देखो फैक्ट निकल के आता है कि जब भी किसी रूट वाली नंबर का स्क्वायर किया जाएगा तो सिर्फ उसकी एक सिंपल नंबर ली जाएगी, √3 में × √3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा ओनली 3। तो इसी बात वीडियो को लाइक कर दीजिए, ओके। तो आगे देखते हैं हम इसमें क्वेश्चन में, आगे करते हैं 2 - √3 का 2 - √3 लिखा जाएगा ऐसे ही अपॉन में, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, तो आंसर क्या आया हमारा निकल के 2 - √3। ये एक फैक्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे अभी तुरंत सेकंड फैक्ट में, ओके। अपना सेकंड फैक्ट स्टार्ट करते हैं, देखिए क्या है कि अगर कभी भी एक ट्रिग्नोमेंट्री, आपने टॉपिक सुना होगा, क्या नाम है, ट्रिग्नोमेंट्री, हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति, ठीक है, और NCERT के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें आता है त्रिकोणमिति अनुपात। उसके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स रहते हैं कि कुछ लोगों को जो प्रॉब्लम आती है वो वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम आती है, क्या वैल्यू निकालने में, कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये त्रिकोणमिति अनुपात हैं, इनकी वैल्यू जो निकालने में प्रॉब्लम आती है। इसके कुछ फॉर्मूले भी होते हैं, थीटा इज़ इक्वल टू थीटा, ठीक है, ये थीटा जो होता है वो एक एंगल की वैल्यू होती है, ठीक है, इसको निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसके एक पॉइंट बता रहा हूँ मैं तुम्हें, हिंट बता रहा हूँ, इंग्लिश में भी बताऊँगा हिंदी में भी बताऊँगा, ये एक समकोण यानी राइट ट्रायंगल के ऊपर डिपेंड होता है सारा, ठीक है। ये होता है, हिंदी में बोला जाता है इसे लंब, इसे बोला जाता है आधार, इसे बोला जाता है कर्ण। अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, और ये होता है हाइपोटेनस, ठीक है। तो हम बात करते हैं हिंदी में थोड़ा, लंब आधार लंब, और इसके नीचे होता है कर्ण कर्ण आधार, ठीक है, कर्ण कर्ण आधार। यहाँ है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ओके, ये पॉइंट्स हैं हमारे। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। अब इसके नीचे से अपोजिट होते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू आधार बटे लंब, सेक थीटा इज इक्वल टू आधार बटे सॉरी कर्ण बटे आधार, कॉस थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे लंब। ऐसे ही इंग्लिश में करेंगे, क्या होगा एल की जगह क्या होगा, लंब है, लंब के लिए परपेंडिकुलर, आधार के लिए बेस, और लंब के लिए फिर से परपेंडिकुलर अपॉन। उसके बाद कोसेक के लिए क्या लिखेंगे, कोसेक
सॉरी कौन से कहीं कर्ण, कर्ण के लिए क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज एच, फिर से एच, और फिर आधार के लिए बेस, ये बनेगा बस इंग्लिश में भी। ओके आप इसे सीबीएसई यूपी बोर्ड दोनों के लिए हेल्पफुल होगा, या कंपटीशन में भी, जैसे आप इंग्लिश से पढ़ रहे हैं तो आपके इंग्लिश में भी, हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हिंदी में भी। ओके तो इनमें कुछ ये तो होगी ऐसे फॉर्मूले निकालने का, इसी में एक फॉर्मूला और आता है जिसको बोलते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस की थ्योरम जो होती है वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये जो है ये बहुत ही इफेक्टिव है, इसका नाम होता है पाइथागोरस, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, या पाइथागोरस थ्योरम बोल सकते हैं इंग्लिश में। और इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं एंगल्स की निकालने की, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, थीटा, इतने सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, इन सभी में हम बहुत आसानी से इनकी वैल्यू निकाल पाते हैं, ठीक है। एंगल जो होंगे आपके, मैं आपको इसमें कुछ ही बता पाऊंगा अभी, ठीक है, जैसे यहाँ जीरो से निकालना स्टार्ट करते हैं, जीरो, 30, 45, 60 और आगे आता है 90, ठीक है, आगे हम 90 तक इसके एंगल निकालते हैं इसमें। तो सिर्फ मैं आपको इसके साइन के निकालने बता रहा हूँ इसमें, फिर मिल आगे बाकी का बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। साइन ज़ीरो की वैल्यू इसमें नंबरिंग लिख लेते हैं, वन, सॉरी ज़ीरो से स्टार्ट कीजिए, ज़ीरो, वन, टू, थ्री, फोर, ठीक है, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सबके अपॉन में फोर ले लीजिए, लिख लिया फोर, अब सबका स्क्वायर रूट निकाल लिए, जीरो अपॉन फोर का स्क्वायर रूट होगा ज़ीरो, तो साइन ज़ीरो की वैल्यू, वन अपॉन फोर का स्क्वायर रूट होगा वन अपॉन टू, तो इसकी वैल्यू वन अपॉन टू होगी, 45 का 1 अपॉन टू, टू से कैंसिल हो जाएगा, इसका आ जाएगा 1 अपॉन रूट टू, तो इसकी वैल्यू 1 अपॉन रूट टू हो जाएगी। 60 की वैल्यू 3 का 3 रहेगा रूट थ्री, फोर का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो इसकी वैल्यू होगी रूट थ्री अपॉन टू। 90 की वैल्यू 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 होगी। कॉस की वैल्यू निकाल लें, इनकी वैल्यू उल्टी कर दीजिए, कॉस की वैल्यू भी आ जाएगी 1 रूट थ्री अपॉन टू, 1 अपॉन रूट टू, 1 अपॉन टू और 0। बाकी की बची हुई टेबल बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी मैं आपके लिए नई वीडियो डालूंगा तो उसका आपको, और उसका बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि जो भी आपको नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।